Class 12 Biology Chapter Sexual Reproduction in Flowering Plants Part 7 Let's Start Students of Class 12 आज वीडियो लेक्चर में हम जो है मेगा स्पोरेंजियम फीमेल गैमेटोफाइट की बात करेंगे। इसके पहले वीडियो लेक्चर में हमने माइक्रोस्पोरेंजियम मेल गैमेटोफाइट और उसके सिंथेसिस, उसका सिचुएशन, फंक्शंस सब देखे हैं, लेकिन इस वीडियो लेक्चर में हम मेगा स्पोरोजेनेसिस फीमेल गैमेटोफाइट की बात करेंगे और फीमेल गैमेटोफाइट का फॉर्मेशन कैसे होता है, फीमेल गैमेटोफाइट्स बनते कैसे हैं, मेगा स्पोरेंजियम्स ओव्यूल्स इसका सिंथेसिस किस टाइप के सेल्स का फॉर्मेशन हुआ और उसमें किस टाइप के सेल्स का क्या फंक्शंस है, इन सभी को हम मेगा स्पोरोजेनेसिस, मेगा स्पोरेंजियम ओव्यूल्स, फीमेल गैमेटोफाइट्स, गायनेक्सियम की बात करेंगे। जैसा कि हम लोग फ्लावर के स्ट्रक्चर में देखिए, फीमेल गैमेटोफाइट आल्सो नोन एज पिस्टिल, फीमेल गैमेटोफाइट्स जिसे पिस्टिल के नाम से भी जानते हैं, एक आइडियल पिस्टिल में अगर हम देखते हैं तो हमें थ्री पार्ट दिखाई देता है, जिसे स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी। जैसे इससे पहले हम लोग एक स्ट्रक्चर देखे थे फ्लावर का, दीज आर हैलेमस, स्टिग्मा, स्टाइल एंड स्वेल पार्ट ओवरी, दीज आर आल्सो नोन एज पिस्टिल। तो फीमेल गैमेटोफाइट्स गायनोसियम की बात करते हैं, इसमें एक थ्री मेन पार्ट दिखाई देता है, अपर पार्ट स्टिग्मा जिसपे पोलिन ग्रेन लैंड करता है या प्लेटफॉर्म है पोलिन ग्रेन्स के लिए, सेकेंड ये पार्ट इलांगेटेड पार्ट हमको दिखाई दे रहा है, दैट इज स्टाइल दैट इज पार्ट फॉर एंट्री ऑफ पोलिन ट्यूब, ये पोलिन ट्यूब की एंट्री के लिए पार्ट है। नेक्स्ट हमको ये स्वेल पार्ट दिखाई देता है, दैट इज ओवरी, ओवरी जो कि ऑलरेडी आप जानते हैं कि आफ्टर फर्टिलाइजेशन ओवरी चेंजेज इंटू फ्रूट, मैच्योर ओवरी कन्वर्ट टू फ्रूट। ओवरी की साइड हमको दिखाई देता है ओव्यूल, इसमें हम ओव्यूल देखते हैं, दैट इज कन्वर्ट इंटू सीड्स। तो जो हम स्टिग्मा की बात कर रहे हैं, स्टिग्मा इसको हम दिखा सकते हैं एट एज ए प्लेटफॉर्म फॉर द लैंडिंग ऑफ द पोलन ग्रेन, स्टिग्मा जो है एक प्लेटफॉर्म बनाता है पोलन ग्रेन के लैंडिंग करने के लिए, और जैसे ही पोलन ग्रेन इस पर फॉल अप होता है तो पोलन ग्रेन्स एंड पिस्टिल का इंटरेक्शन होता है, और इसे हम लोग पोलिनेशन पढ़ेंगे कि पोलिनेशन में किस तरह ये पोलन ग्रेन्स पर लैंड होता है, फॉल अप होता है और उसके बाद पिस्टिल और इसका इंटरेक्शन होता है, और ये पोलिन ग्रेन्स स्टिग्मा पर फॉल अप होने के बाद वहाँ इसकी इनकम्पेटिबिलिटी होती है, जर्मिनेशन होता है कि नहीं होता है, इस कंडीशन को हम लोग जो है नेक्स्ट वीडियो में पोलिनेशन एंड फर्टिलाइजेशन देखेंगे। लेकिन पहले हम लोग यहाँ
इसको फोकस करेंगे कि इसमें यह फीमेल गैमेटोफाइट का फॉर्मेशन कैसे होता है, फीमेल गैमेटोफाइट्स बनते कैसे हैं। गायनोसियम गायनोसियम ए वन कार्पल एक वन कार्पल दैट इज मोनोकार्पल इट मे बी एपोकार्पस नंबर ऑफ कार्पल मोर देन वन, नंबर ऑफ कार्पल मोर देन वन एंड रिमेन फ्री। एको कार्पस अगर नंबर ऑफ कार्पल मोर देन वन हो यानी एक से अधिक हो और सभी फ्री हो तो ऐसे कंडीशन को एको कार्पस कहते हैं। लेकिन अगर ये कंडीशन जो कार्पल का नंबर मोर देन वन हो एंड फ्री ना हो, वो आपस में सिंक हो जुड़े हो, तो ऐसे कंडीशन को हम कहते हैं सिंक कार्पस। सिंक कार्पस दैट इज नंबर ऑफ कार्पल्स मोर देन वन बट नंबर ऑफ कार्पल मोर देन वन बट ऑल द कार्पल आर फ्यूज टुगेदर दैट इज सिंक कार्पस। इस तरह से जो है ये गायनोसियम कार्पल के बेस पर हम लोग देखते हैं तो गायनोसियम कार्पल या मोनोकार्पल होता है या मोर देन वन कार्पल हो तो ऐसे टू कंडीशन मिलते हैं जिसे हम लोग एको कार्पस करते हैं और सिंक कार्पस करते हैं। एको कार्पस में क्या होता है कि कार्पल का नंबर एक से अधिक होता है लेकिन ये सभी कार्पल फ्री होते हैं, और सिंक कार्पस में क्या होता है कि नंबर ऑफ कार्पल मोर देन वन होते हैं लेकिन ऑल कार्पल्स फ्यूज टुगेदर। जैसे इसका एग्जांपल देखें, बेटर एग्जांपल और इसको डायग्राम को देखें तभी क्लियर हो जाएगा कि एको कार्पस क्या होता है, सिंक कार्पस क्या होता है। एको कार्पस सिंक कार्पस तारीखी क्लास 11th में आप लोग स्टडी किए होंगे, इसमें टैक्सोनॉमी है। क्या टैक्सोनॉमी जो टैक्सा बना जो कार्वा लिनियस दिए वह कार्वा लिनियस का टैक्सोनॉमी वह फ्लावर के बेस पे है। तो फ्लावर के बेस पे जो क्लासिफाई किया गया डिफरेंट क्लास को डिफरेंट फैमिली को बनाया गया तो वह लिनियस जो बाइनोमियल दिए जो टैक्सोनॉमी को दिए जिसे हम लोग है कि फादर ऑफ टैक्सोनॉमी कहते हैं तो वह फ्लावर के बेस पे है। तो ये क्लास 11th में आप लोग डिटेल स्टडी किए होंगे कि मोनोकार्पस और मल्टी कार्पस एको कार्पस सिंक कार्पस क्या होता है। फिर भी एक छोटा सा एग्जाम्पल एक छोटा डायग्राम हम देख लेते हैं। जैसे अभी हमें जो बात कर रहे थे सिंक कार्पस कहते हैं एग्जाम्पल दिखाया गया है सिंक कार्पस में जिसमें हम देख रहे हैं कि यह मल्टी कार्पली है और सिंक कार्पस स्टील विथ फ्री स्टिग्मा, इसके स्टिग्मा जो है सब फ्री हैं, फ्री स्टिग्मा है। लेकिन अगर हमें बात करते हैं जो मल्टी कार्पली सिंक कार्पस में यह पपाइबर का दिखाया गया है पपाइबर का, इस पपाइबर में ये सब स्टिग्मा जो है फ्यूज है। तो
तो ऐसे इसको हम लोग जो है सिंकार्पस यहाँ दिखाते हैं। लेकिन अगर ये बात आती है जो है एपोकार्पस की, तो एपोकार्पस हम क्या देख रहे हैं, एक माइसिलिया एग्जाम्पल दिखाया गया है। माइसिलिया में ये जितने हैं सब फ्री पिस्टिल हैं, सब फ्री पिस्टिल दिखाया गया है, एक पिस्टिल दूसरे पिस्टिल से ऐसे फ्यूज नहीं है। तो ऐसे कंडीशन में माइसिलिया को हम लोग एपोकार्पस कहते हैं, जिसका कार्पल्स ये सब या पिस्टिल इसके फ्री हैं, लेकिन यहाँ इसका पिस्टिल या स्टिग्मा सब ज्वाइंट है। तो ऐसे कंडीशन में यह जो है जिसे हम पपेवर कहते हैं, पपेवर जो अफीम ओपियम जिससे अफीम का फार्मेशन होता है, यही जो है कि फ्रूट फार्मेशन करके इसको कट करके लैटेक्स निकालते हैं, और वही लैटेक्स जो है अफीम का काम करता है, जिससे अफीम आप लोग जानते हैं। अफीम के डिफरेंट प्रोडक्ट बनते हैं, डिफरेंट प्रोडक्ट जैसे आप लोग केमिस्ट्री में पढ़ेंगे, जैसे यानी हेरोइंस है, चरस है, ऐसे कुछ और प्रोडक्ट हैं जो इसी से बनाए जाते हैं। थैंक्स।